चलो तो देखो स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उस कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो मॉडुलस होता है ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करता है सर? है? मटेरियल पर। ठीक है, उसको सेंड कर देना, जो उन्होंने लिखा है सेंड कर देना, लिस्ट बनाइए ना उसको सेंड कर देना, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, आप आगे जाके सर ये पढ़ोगे तो एक उसको मैं कांस्टेंट आगे। होता है ना सर? सर तो ये हाँ डिपेंड कैसे करेगा मटेरियल पे, मॉड्यूलस? अब जैसे रजिस्टिविटी भी तो एक कांस्टेंट है, R इक्वल टू रो L बाय A होता है ना, तो यस अलग अलग सर। मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, उसी तरह अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। कॉपर का अलग होता है, आयरन का अलग होगा, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, सभी मटेरियल का वो सेम थोड़ी तो होगा। सस्ता क्या है सर? अभी बताता हूँ मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस एक तरह का रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कितने फोर्स लगाने पे कितना चेंज आ रहा है उसका रेशियो मॉडुलस कहलाता है। आई बात समझ में? पर यस यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा हूं तो कितना चेंज आ रहा है वो मॉडुलस कहलाता है। अब कॉपर में और रबड़ में दोनों में सेम फोर्स लगाओगे, एक तो ले लिया मैंने कॉपर कॉपर रॉड और एक ले लिया मैंने रबर की रॉड, क्या दोनों पे दोनों का इलास्टिसिटी सेम होगा क्या? अलग नो सर, सो नो होगा ना, सर। मॉडुलस दोनों का अलग अलग होगा। इस पे सर जो फोर्स लगाऊंगा तो इसमें चेंज ज्यादा कम आएगा, इसमें चेंज ज्यादा आएगा। हाँ बेटा, सर वेक्टर का मॉड्यूलस लगाते हैं सर, तो वो तो एक मैग्नीट्यूड होता है सर, तो ये और उसमें हाँ फर्क क्या है? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम दे रखा है इसे, ये मॉड नहीं है, इसको नाम दे रखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ओके सर। चलो, अब आता है इसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिफ्थ लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो पहला जो टाइप है इसमें ए लिखता हूं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, जैसे कोई रॉड है, इस रॉड पर इधर भी फोर्स, मैंने बताया था स्ट्रेस लगाने के लिए आपको दोनों तरफ फोर्सेस सेम चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग फोर्स हो, दोनों तरफ फोर्स सेम होगा। और अंदर भी किसी पॉइंट पर भी फोर्स निकालोगे तो वो भी क्या होगा, एफ ही होगा आपका। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, टेंसाइल। टेंसाइल मतलब खींच रहा है इसको, तो इसके अंदर हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे फोर्स देखोगे तो उसकी वैल्यू एफ ही आएगी। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन करते थे, ये ब्लॉक रख दिया तो इस स्ट्रिंग पर, जैसे एम जी एम मास है, नीचे लग रहा है एम जी फोर्स, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, एम एमजी जी, एमजी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टेंशन टी ही होगी क्या, सर। यस सर। या अलग अलग होगी?
तो उसी तरह से स्ट्रेस जो होगा हर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा सेम ही रहेगा। सर ये बॉडी के लिए वैलिड है, ये सभी बॉडी के लिए बेटा, सभी बॉडी के लिए। अब अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में ही काउंट होगा। ये क्या कर रहा है, पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस है उसको कम कर रहा है। इस फोर्स को बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। अगेन जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस बॉडी पर वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझा सकते हो सर? हाँ बेटा सर, एक और बार स्ट्रेस में क्या होगा, बॉडी को खींचेंगे इस तरह से, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, और लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव इसमें क्या करेंगे, बॉडी को इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस करूंगा मैं इक्वल फोर्सेस से, तो बॉडी में चेंजेस आएंगे। यस सर। तो उस फोर्स को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि ये अलोंग लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है। आई बात समझ में? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल होगा इसके फोर्स डिवाइडेड बाय, जो फोर्स होना चाहिए वो फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब एरिया के, एरिया ऐसे है इसका, एरिया के परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट मैं बता ही चुका हूं, यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल इज आल्सो द यूनिट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब ये कौन सा फोर्स होगा जो परपेंडिकुलर लगेगा इसमें? ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये एरिया के परपेंडिकुलर लग रहे हैं ना बेटा? हाँ सर, एरिया के तो लग रहे सर। हाँ तो वो वाला फोर्स लेना है। मान लो ऐसे बॉडी है और आप फोर्स लगा रहे हैं ऐसे करके, तो फोर्सेस के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे। मान लो ये एंगल थीटा है तो आप ये एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लोगे। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट लोगे जो परपेंडिकुलर है फोर्स। ठीक, इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद रखो जब भी स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन जरूर होगा, चेंज आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखो इसमें चेंज आएगा लेंथ में, तो कितना चेंज आया, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो है लेंथ लेंथ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मॉडुलस आएगा। यस सर। उस मॉडुलस को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसको वाई से डिनोट करते हैं, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर। हाँ बेटा। सर उधर नीचे एल स्क्वायर नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में सर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया है ना सर। किसमें बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सर, स्ट्रेन नहीं, लेंथ में चेंज आएगा ना बेटा, जब इसे फोर्स में ऐसे लगाऊंगा तो इसके लेंथ में चेंज आएगा ना रॉड की। एरिया में तो चेंज आएगा लेकिन एरिया नहीं लेंगे हम लोग, इसमें लेंथ लेंथ लेंगे। आई बात समझ में? नहीं सर। इसमें हम लोग रॉड ऐसे पकड़ी, 10 मीटर की रॉड थी, खींचा 11 मीटर हो गई, तो लेंथ में चेंज आया ना उसकी। हाँ सर।
इसको खींचूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो ये जो चेंज आया यहाँ से ये डेल्टा एल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका ओरिजिनल लेंथ। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो जब जब कंप्रेस करेंगे तब तो जब कंप्रेस में करेंगे जब कंप्रेस करेंगे तब तो नेगेटिव में लेना पड़ेगा तब। हाँ डेल्टा एल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब। डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल करोगे। डेल्टा एल कैसे निकलेगा? डेल्टा एल निकलेगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। तो अगर स्ट्रेन आपका नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाना कि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, और स्ट्रेन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना टेंसाइल स्ट्रेस है। आई बात समझ में? सर चेक कैसे करेंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? वैल्यू गिवन होगी ना आपको, जैसे आपको वैल्यू अगर गिवन होगी, मान लो स्ट्रेन की वैल्यू गिवन होगी अगर वो नेगेटिव में, इसका मतलब कंप्रेसिव हो रही है, और स्ट्रेन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब चेंज इन लेंथ आपका पॉजिटिव में आ रहा है, तो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, उसको खींच रहे होंगे हम लोग, और किसी को कंप्रेस कर रहे होंगे तो उसको नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है सत्यम? यस। क्लियर हुआ डाउट? डाउट क्लियर हुआ? यस। ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वाई बराबर हो जाएगा एफ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एल ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी, क्योंकि एल और एल तो कैंसिल हो गए, तो फोर्स अपॉन एरिया ही बचा। ठीक है? यस सर। नोट कर लो इसको। सेकंड जो स्ट्रेस है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सेकंड जो स्ट्रेस है वो है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, जैसे ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से, इस ब्लॉक पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये पार्ट फिक्स है, नीचे वाला फिक्स है, नीचे वाला पार्ट फिक्स है, नीचे वाला पार्ट मूव नहीं कर सकता, तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? यस सर। जैसे बुक वगैरह को, जैसे बुक वगैरह है आपके पास, तो बुक में मैं इसे फोर्स लगाता हूं, ठीक है, ऐसे करके साइड से फोर्स लगाता हूं, तो बुक की पोजीशन ऐसे हो जाती है ना। ये बुक तो थोड़ी पतली है, मोटी बुक लोगे तो इसमें होगा। तो ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है? टेंजेंशियल, तो एफ टी लिखूंगा यहां पे। ये फोर्स कैसा लग रहा है? टेंजेंशियली लग रहा है। तो मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये हो गई, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी एक्स, दिख रहा है आपको एक्स दिख रहा है? यस सर। ये लेंथ इनिशियल इसकी लेंथ थी एल, और ये एंगल हो जाएगा मान लो फाई। एक्चुअल में जो चेंज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा दिखा रखा है मैंने, इतना चेंज नहीं होता। तो देखो इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसका एक और दूसरा नाम है
इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम क्या है? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है? एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिट अगेन ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बात समझ में आई? इसमें बेटा फोर्स मैं साइड से लगा रहा हूँ, जैसे बुक वगैरह पे साइड से फोर्स लगाएंगे हम, बुक्स वगैरह पर अगर मैं साइड से फोर्स लगाऊंगा, इसको ऐसे प्रेस करूंगा, ये बुक की पोजीशन, ये पहले ऐसे था, ब्लॉक था, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, रोम्बस टाइप बन जाएगा। तो ये पॉइंट खिसक के यहां से चला गया, ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां चला गया, लगभग ये ऐसा नहीं कि ज्यादा, ये लेंथ एल थी, ये एंगल क्या बन जाएगा आपका? फाई बन जाएगा। सर नीचे क्या लिखे हैं? ये शेयर स्ट्रेस इसके ऊपर सर। फिक्स्ड ये जो नीचे वाला पोर्शन है फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे वाला, ये तो बॉडी मूव करने लग जाएगी। ठीक है, शेयर स्ट्रेस हो गया आपका। तो यहां पर जो स्ट्रेन आएगा उस स्ट्रेन को बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन क्या होगा? ये जो एंगल है इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। इस फाई को ही हम लोग बोलेंगे। और ये जो एंगल होगा ये बहुत बड़ा होगा वो छोटा होगा? छोटा छोटा होगा सर। बहुत तो एंगल बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। तो अगर थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, जानते हो आप लोग? जो नहीं जानता उसको लिख लो ये साइड में। अगर थीटा आपका स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को वन, टेन थीटा को थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा देखूं क्या एक्स बाय एल होगा? साइन थीटा को थीटा लिखते हैं। हाँ कैसे? अगर एंगल बहुत ही छोटा हो तो उसका प्रूफ भी है। ठीक है, प्रूफ पूछोगे तो प्रूफ भी बता दूंगा मैं। बता दो कैसे? सर बता दो। नहीं अभी तो टाइम लग जाएगा, अभी तो टाइम लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। तो साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो फाई है क्या ये टेन फाई बराबर कितना होगा? टेन फाई बराबर क्या एक्स बाय एल होगा? सर डायरेक्टली फाई ही होगा ना सर, स्मॉल है तो। हाँ तो ये टेन फाई को मैं फाई लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू एक्स बाय एल। यस सर। तो फाई की जगह मैं एक्स बाय एल कर सकता हूँ? हाँ सर। अगेन इसकी कोई यूनिट होगी क्या? नो सर, कोई यूनिट नहीं होगी सर। ठीक है, अगेन शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन एक रेशो आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको बोलेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलेंगे इसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम लोग ईटा से डिनोट करेंगे। ईटा इक्वल टू होगा शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एफ टी डिवाइडेड बाय एरिया शेयर स्ट्रेन एक्स बाय एल। सॉल्व करोगे एफ टी बाय एरिया इंटू एल बाय एक्स। यूनिट क्या हो जाएगी? अगेन
मॉडुलस और रिजिडिटी की भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर एक बार ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एन बनाना नहीं आता बेटा, एन सर ऊपर वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? ये दिख नहीं रहा। हां राइट साइड, थीटा आपका बहुत छोटा है बेटा, थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन है ये। cos थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम लोग, और tan थीटा को भी sin थीटा / cos थीटा का तो tan थीटा आ जाएगा, थीटा / 1 थीटा होगा, तो tan थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं हम लोग। थीटा लिख सकते, ठीक है। ठीक है, नोट हो गया बेटा? यस सर। तेरी fr कौन सा फोर्स है? fr fr का है बेटा, ft है वो, ft लिखाइए, ft टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है ना, ये t है बेटा, ये ft है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल लग रहा है। ठीक है, आगे देखें, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के बाद आता है अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सी लिखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, मान लो एक बॉल है, उस बॉल को मैं पानी के अंदर डाल दूं, तो पानी के अंदर डालने पे क्या होगा? ऊपर आ जाएगी। पानी के अंदर मैंने ऐसे पकड़ रखा उसको, बॉल भी, या फिर एक बलून ले लो, बलून ले लो, एक बलून ले लो, तो इस बलून पर क्या सभी डायरेक्शन से पानी ऐसे फोर्स लगाएगी? क्या इसकी शेप को चेंज करेगा? बलून की साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी, बलून की साइज छोटी हो जाएगी सर, कहीं से तो बढ़ेगी ना? नहीं, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा। नहीं सर, इक्वल लग रहा है तो सर फिर चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, नहीं चाहिए सर अगर इतनी मतलब स्क्वीज हो गई, हां फटना नहीं चाहिए उसको, पानी के अंदर फटता थोड़ी बॉल नहीं है, अगर जिस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं से तो सर पकड़े है सर, तो कहीं ना कहीं से तो सर एक्सपेंड होनी चाहिए ना, इसको मतलब इस तरह से रखो, इस तरह से रखो, जो बलून होता है ना ऐसा होता है ना, इसके नीचे कुछ यहाँ पे एक रस्सी बांध दो, इसको पानी के अंदर डुबा दो, ठीक है, बलून गोल होता है ना इस तरह से, जहां पर इसको बांध रखा है उसको ऐसे बांध दो, तो बलून पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, तो फिर उसके अंदर क्या जो पानी होगा, गैस, तो फिर गैस होगा सर, तो फिर गैस कंप्रेस हो जाएगी, तो गैस होगी वो कंप्रेस हो जाएगी ना कहीं से, तो सर बढ़ना चाहिए, फिर से बताइए ना। एक बलून ले लो, उस बलून में आपने धागा बांध रखा है, उस धागे को पत्थर लो, पत्थर से बांध के पानी के अंदर डाल दो, बलून भी अंदर डूबना चाहिए, ठीक है, यहां पे मास बांध दिया आपने, तो इस बलून पर पानी के अंदर डूबा हुआ है ये, तो पानी जो है इस पे हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगाएगी, अलग अलग लगाएगी, तो हर डायरेक्शन से इस पे इक्वली फोर्स, इक्वल फोर्स लगेगा सर, कैसे? पानी जो है इस पे इक्वल फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं कि नीचे से फोर्स ज्यादा होगा, उसको ऊपर से भी उतना ही प्रेस करेगी जितना नीचे से कर रही है, उसकी शेप सर अगर जैसे नीचे से, तो
तो ये जो शेप है ना वो शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी आपकी, छोटी हो जाएगी बॉल, जो बलून है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। नहीं सर, लेकिन जो ऊपर से जो वॉल्यूम होगा वो तो कम होगा ना सर, तो वो दबाएगा तो कम दबेगा ना सर। एग्जैक्टली सर पॉसिबल थोड़ी ना सर कि सेम शेप में छोटा हो जाए, तो बढ़ेगा ही सर। कंप्रेस पूरा हुआ है तो सर किया हुआ है सर। आप लोग एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। बलून ज्यादा बड़ा बलून मत लेना, जिसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो। ठीक है, उस बलून को पानी के अंदर डुबाना, मतलब अगर किसी बॉडी पर एग्जैक्टली शेप बिल्कुल वैसा नहीं होगा। हाँ सर, छोटा मतलब एग्जैक्टली कहीं ना कहीं से सर हो तो गया सर, कहीं पर चांसेस है सर कि चांसेस मतलब क्या हो, मतलब वो लंबा हो सकता है, ऐसा शेप हो सकता है। हाँ हाँ, एड जैसा थोड़ा बन जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार आप लोग करके देखना, एक बार करके देखना आप लोग। ठीक है, तो थ्योरी बोलती है उसके हिसाब से चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा सर। इक्वल तो लगेगा, शेप डायरेक्ट वैसा चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होगा, देखो अब इस पे फोर्सेस जो है वो सभी तरह से सेम लग रहा है। ये इनिशियल वॉल्यूम था इसका, अब ये जो वॉल्यूम होगा ये वी फाइनल होगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम स्ट्रेस जो है फोर्सेस सब जगह से एक ही लग रहा है, तो फोर्स अपॉन इसका एरिया। एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, जो बाहर का जो एरिया है बॉडी का। ठीक है, प्रेस होने से पहले वाला एरिया ना। हाँ, प्रेस होने से पहले वाला एरिया, प्रेस होने से पहले वाला एरिया। आगे देखो, तो एक्चुअल में जो फोर्स अपॉन एरिया होता है ये क्या होगा, आपका प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या होता है, प्रेशर होता है। यस सर, फोर्स तो ये आपका प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर भी हम लोग लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर। सर चेंज के इक्वल टू डीपी लिखा हुआ है। हाँ बेटा सर, वो डीपी लिखा हुआ है, चेंज इक्वल टू डीपी। हाँ, चेंज हो रहा है इसलिए हमने डीपी लिखा है। तो डेल्टा नहीं होगा, जो चेंज हो रहा है बहुत ही स्मॉल चेंज ले रहे हैं हम लोग प्रेशर में। ठीक है, फिर आता वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेन भी देख लो फटाफट। वॉल्यूम स्ट्रेन जाएगा ना सर। हाँ बेटा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, और यहां पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा माइनस डेल्टा वी बाय वी। सर ऐसा कोई केस है जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना सर। फाइनल वॉल्यूम तो सर मतलब कम ही होगा इनिशियल से, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा।